महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह ने मंगलवार को एक विवादास्पद बयान में महिला पहलवानों के विरोध प्रदर्शन पर रामायण का संदर्भ देते हुए कहा कि विनेश फोगाट उनके लिए मंथरा बनकर आई गई हैं। आगामी 5 जून को अयोध्या में आयोजित जनचेतना महारैली में भीड़ जुटाने के उद्देश्य से जिले में जनसंपर्क के दौरान मंगलवार को उन्होंने एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए कहा, महिला पहलवान विनेश फोगाट आज वही काम कर रही है जो त्रेता युग में मंथरा ने किया था। कैसरगंज से भाजपा सांसद ब्रिजभूषण ने कहा, इससे पहले जंतर मंतर पर हजारों पहलवान धरना दे रहे थे और अब केवल 3 जोड़े पति पत्नी बचे हैं, सातवां कोई नहीं है। जिस दिन परिणाम आएगा हम मंथरा को भी धन्यवाद देंगे। रामायण के अनुसार मंथरा के उकसावे पर ही कैकई ने दशरथ से राम को 14 वर्ष के वनवास पर भेजने की जिद की थी। ब्रिजभूषण ने साथ ही ये आरोप भी लगाया कि जो पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं वो आज तक नहीं बता पाए कि उनके साथ कब कहां और क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। सांसद ने अपने खिलाफ इस प्रकरण की तुलना अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मामले से की। उन्होंने जनसभा में कहा, आप सौभाग्यशाली हैं कि एक ऐसा मामला आया है जिसमें फंसकर कभी डोनाल्ड ट्रंप को भी परेशान होना पड़ा था। मैं कह रहा हूं कि ये षड्यंत्र आज का नहीं है, ये बहुत दिनों का है, लेकिन इसके माध्यम से कुछ अच्छा होना है। उन्होंने कहा, यह आरोप नहीं छुआछूत का मामला है, गुड टच बैड टच का मामला है। मुझ पर झूठे आरोप लगाए गए हैं, लेकिन ये आरोप मुझ पर नहीं आया है, बल्कि भगवान ने मुझे इस आरोप से लड़ने के लिए माध्यम बनाया है। इससे पहले 21 मई को ब्रिजभूषण ने कहा था कि वो नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं, बशर्ते विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की भी यही जाँच की जाए। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ देश के नामी पहलवानों का जंतर मंतर पर धरना जारी है। इस बीच पहलवानों ने 28 मई को नए संसद भवन के सामने महिला पंचायत करने का फैसला किया है। इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं। मंगलवार को धरना दे रहे पहलवानों ने न्याय दिलाने की मांग को लेकर जंतर मंतर से इंडिया गेट तक मार्च निकाला था। इस मार्च के बाद पहलवान विनेश फोगाट ने पत्रकारों को बताया था कि हमने 28 मार्च को नए संसद भवन के सामने शांतिपूर्ण महिला महापंचायत करने का फैसला किया है। विनेश फोगाट ने कहा कि महिलाएं इस महापंचायत को लीड करेंगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आवाज़ जो उठाई गई है यह दूर तक जानी चाहिए। अगर आज देश की बेटियों को न्याय मिलेगा तो आने वाली पीढ़ियां इससे हिम्मत लेंगी। विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक समेत कई शीर्ष पहलवान 23 अप्रैल से दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ के प्रमुख और बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।